मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। जब से तैमूर मियां पैदा हुए हैं तब से सुर्खियों में बने हुए हैं और अब तैमूर मियां मम्मी पापा के साथ छुट्टियां मनाने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए उड़ गए हैं। 7 महीने के तैमूर मियां की ये पहली फॉरेन ट्रिप है। खास बात यह है कि सैफ करीना किसी महंगे होटल या बंगले में नहीं बल्कि अपने अपस्केल और अनूठे रिजॉर्ट के लिए मशहूर स्विट्जरलैंड के गांव गिस्ताव में एक स्थित रॉयल स्वीट में ठहरेंगे। ये लोग 2 हफ्ते तक यहीं रहेंगे और आराम करेंगे और छुट्टियों का लुत्फ़ उठाएंगे। शादी के 1 साल पहले भी सैफ और करीना छुट्टियां बिताने के लिए स्विट्जरलैंड ही गए थे। उस वक्त सैफ और करीना ने इस छोटे से टाउन की सैर भी की थी। आपको बता दूं कि बर्फ से ढके यहाँ के घरों के अलावा यहाँ के लोग और यहाँ का खाना भी इन लोगों को बेहद पसंद है। तब सैफ ने करीना से वादा किया था कि वो हर साल यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन पिछले 5 सालों से वो अपने वादों को निभाते हुए आ रहे हैं। शादी के 2 महीने बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के लिए भी सैफ और करीना यहीं आए थे। करीना के मुताबिक गिस्ताद दुनिया की सबसे सुंदर और रोमांटिक जगह है। अगर कोई मेरे साथ और माथे पर पिस्तौल रखकर भी मेरी आखिरी ख्वाहिश कोई पूछे तो मैं यही कहूंगी कि मरने से पहले एक बार मैं यहाँ छुट्टियां मनाना चाहती हूँ। करीना और सैफ अली खान के लिए इस बार की छुट्टियां बेहद खास होने वाली है क्योंकि उनके साथ पहली बार तैमूर मियां भी छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जाते हुए तैमूर मियां मम्मी पापा के साथ चहकते दिखाई दिए। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं तैमूर मियां, सैफ अली खान और मम्मी करीना स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भरते हुए। फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही।